नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे आज के ब्लॉग में। और अभी हम लोग जा रहे हैं पहली बार स्वामी जी का योग शिविर अटेंड करने के लिए, जहाँ पर बहुत सारे लोग होने वाले हैं और ये पूरा लाइव टीवी पे जाने वाले हैं, हर जगह संस्कार पे जाने वाले हैं। हमारे सर सामने बैठे हैं हमारी गाड़ी में, आस्था पे, अच्छा आस्था पे लाइव जा रहा है, उसके बाद NDTV पे भी जाएगा, मतलब काफी जगह और सोशल मीडिया पे तो और लोग देख ही रहे होंगे सभी चीजें, लेकिन हमारे लिए पहली बार होगा कि हम लोग सामने से ये चीज वहाँ पे प्रेजेंट होकर के फील करेंगे। वरना दादी माँ के साथ साथ टीवी पे तो कई बार देख लेते थे ये सारी चीजें, जब स्वामी जी योग करना सिखाते हैं या फिर हम लोग लॉकडाउन में भी हमने पूरे 2 साल स्वामी जी को देखा, लेकिन पहली बार हम लोग उधर बैठ करके वो चीजें देख रहे थे, तो काफी एक्साइटेड। तो आज काफ़ी जल्दी उठना हुआ हमारा, 6:15 बजे तक बिल्कुल उठ चुके थे और अभी एग्जैक्ट 7 बज रहे हैं, और बहुत दिनों के बाद ऐसा हुआ कि हम बहुत जल्दी उठे। नहीं, हम लोग अभी फ्लाइट पकड़ने के लिए से उठते रहते हैं। हाँ, मतलब कि अभी जो अभी कार्यक्रम चल रहे थे ना, तो उसके लिए जल्दी उठना होता था और हमारा सोना रास्ते में ही होता था, फ्लाइट में, गाड़ी में, 2.5 घंटा। अच्छा मुझे नहीं पता, उबेर बताओ, 3 बजे तुम्हारे प्रोग्राम शाम को आते हैं लोग, 3 बजे जगते हैं और आके फिर उसके बाद यहाँ 4:30 बजे तक पहुँच जाते हैं स्वामी जी, सही 4:45 बजे आ जाते हैं। हजारों लोग इसमें कूद रहे हैं, बाप रे। अभी आपको अच्छे से दिखाएंगे जब हम स्टेज पे पहुँचते हैं। अब इसके पास कोई आता है तो उठाता है और हमारे पास कोई आता है तो योग करता है, तो मेरे साथ साथ करो, चलो चलो। तो इसको मैंने पतंजलि का खजूर और घी तो दे दिया है, अब इसको सूर्य नमस्कार और दंड होता, तो ये कोई स्वामी को कुछ ज्यादा कपाल भांति कर लिया, इसलिए थोड़ी कम हो जाति वेशभूषा देश काल से परे, योग जो करे मनुष्य काल से भी न डरे, उसका गौरव ऐसे, चलो करो ऐसे ऐसे, ये तो हल्का सा कर रहा है। अब योगा फॉर स्टैंड, ये ऋषभ तुमको भी करना है, अभी तो फोटो खींच ले, फिर देखो बेटा ऐसे बैठो, ये सबको करा था रमेश जी, ए रमेश जी आप देख लो, आप भी करना पूरा परिवार, माँ भारती, हमारे माँ भारती मतलब इसकी माँ भारती, इसकी माँ का नाम भारती है, माँ भारती से लेके रमेश से लेकर के ऋषभ से लेकर के और तीसरा भैया है अयाची, अयाची ये दो भैया इसका पूरा साथ देते हैं, तबला भी बजा देते हैं और वो क्या बोलते हैं मंजीरा भी बजा देते हैं, उसी से पूरा बढ़िया भजन करते हैं ऐसे।
अब ये 10 बार करना है मेरा रोज, और फिर धीरे धीरे 50 बार, अगली बार मिलूंगा तो 50 किलो की मिलेगी। ऐसे चोर विषय विष पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। तालियों के साथ अमृत है हरि नाम जगत में, ये साथ वाले हमारे तुम्हारे वाले तो चले गए, हमारे वाले 24 घंटे। अमृत है हरि नाम जगत में, तुमको नहीं गाना इसको गाना। इसे छोड़ विषय विष पीना क्या, आप इतने वो रहते हुए भी अपना काम नहीं खोते हैं। जो हमारे कार्यकर्ता बैठे हैं वो भी स्थान ले रहे हैं, कपाल भाती के बाद कार्यकर्ता बैठे को भी कार्यकर्ता के स्थान ले लो, कपाल भाती कोशिश करें सामने जो बैठे हैं वहां पर बैठे, सामने बैठ जाएंगे कपाल भाती। इसमें और आई और तेजस्विता रहनी चाहिए ना बेटियों के जीवन को, बहुत लंबा है मेरा बहुत आशीर्वाद। तो दोस्तों वापस दिल्ली के लिए निकल चुके हैं, इतना ज्यादा मजा आया आज, इतना सुबह जल्दी उठ के जो गए थे तो इतना बढ़िया योगा हुआ और इतना आनंद आया कि एकदम भाई मजा आ गया एकदम। उसके बाद थोड़ा खाना पीना खा के निकल चुके हैं, अभी समय हो रहा है 11:15 और दिल्ली पहुंच जाएंगे हम 4:30 बजे तक, सोते सोते चलते हैं आराम से, दीदी ऑलरेडी सो चुके हैं। तो चलते चलते रुके हैं हम यहाँ पे कहीं पे, पता नहीं कहाँ पे एक जगह, यमुना एक्सप्रेस वे पे चढ़ रहे थे तो वहाँ पे एक मिला हमें, तो पॉपकॉर्न वगैरह खाते हैं यहाँ से, और यहाँ से करीबन 2-2.5 घंटा लगेगा दिल्ली पहुँचने में। दिल्ली पहुँचते हैं हम लोग पहुंच चुके हैं, अभी बज रहे हैं 4:15 एग्जैक्ट 4:15, कितना घंटा हो गया हम निकले तब तक, 11 बजे के करीब निकले थे, 5 घंटे। कोई बनाने वाला ये लैपटॉप तो भी ले लेता है, करता तो कुछ पापा दीदी को बोले ये कैमरा कैरी तो करती है, करती कुछ है नहीं, ब्लॉग व्लॉग कुछ बनाती नहीं है, शर्म आती है यार। ये लग रहा है गुस्सा में भाई। तो आज हम लोग आए थे बहुत दिन के बाद, सच्ची में मैं तो भाई बीमारी पड़ा हुआ था। इस दिन क्या हुआ था, तो हम लोग ना रायपुर गए थे, ठीक है, तो वहाँ पे बारिश हो रहा था और मैं एकदम ढोलक तबला अगर गा एकदम जोर से रहा था, तो मेरे को पता ही है कि मैं बहुत ज्यादा वो 15 मई के करीब आएगा, तो उसको छोड़ दे भाई, तेरा लक्षण खराब लग रहे छोड़ दे पहले इसको, वो जब आएगा आएगा, लेकिन मैं थोड़ा सा बीमार हो गया था तो आज थोड़ा मूड फ्रेश करने के लिए हम टिक्की खाएंगे, और हम दोनों भाई एक एक साइकिल पे आए हैं भाई एकदम साइकिलिंग करते हुए, तो यहाँ पे एक साइकिल अपना दूसरा साइकिल अपना। भाई इस इलाके में कितने कुत्ते हैं कसम से बताऊँ, 6-7 कुत्ते हैं, और वो अगर एक साथ किसी के पीछे पड़ जाए हालत खराब हो जाएगा उसका, सब ना खाना दे दे के उसको ऐसा बना दिया है ना। तो पहुंच चुके दोस्तों अपार्टमेंट में, आलू टिक्की लेके, बहुत दिनों के आलू टिक्की पकड़ा है भाई, हाँ मतलब जो भी गोलगप्पे भी है। तो दोस्तों अभी रात के बजने वाले हैं 10, और देखिए मम्मी मेरे लिए क्या बना रही है, क्या है भैया, मखान का खीर, मसाला डाल के, मखान का पाउडर जो होता है उसका दूध में मिला के कुछ तो बना रही है बढ़िया एकदम पतला लिक्विड। और मम्मी कैसा रहा आपके 2 दिन, सही था, ठीक था, आपने मेरे को मिस नहीं किया वो तो करते ही है,
हमेशा ही। पिछले 6 महीने इतने ज्यादा बिजी गए, इतने ज्यादा बिजी गए कि व्लॉग्स भी बिल्कुल समय पे नहीं आ पा रहे थे और हम घर पे भी नहीं रह पा रहे थे। मतलब एक दिन आते हैं दूसरे दिन चले जाते हैं और इतना ज्यादा हेक्टिक हो चुका था। लेकिन अभी कुछ दिन का आराम मिला है तो मम्मी के साथ बढ़िया एकदम डेली व्लॉग्स बनाएंगे। इसी घेवर की बात कर रहा था मैं जो कल मिला था हमें और बहुत ज़्यादा टेस्टी है, क्या ही बताएं एकदम बहुत ज़्यादा टेस्टी। आज सुबह में इतना मज़ा आया ना कि मतलब हमने टीवी पे हमेशा देखा था रामदेव बाबा को योगा करते हुए, लेकिन सामने से देख पाना और वो भी जिस स्टेज पे वो करते हैं उनके बगल में योगा करना, भाई कितनी बड़ी बात है ये। और आज वो अवसर मिला, आपने अगर नहीं देखा होगा तो आप उनका यूट्यूब चैनल भी लाइव चल रहा था और आस्था पे भी लाइव चल रहा था, डिवाइन पे भी लाइव चल रहा था, तो आप वहाँ भी जाके देख सकते हैं। और दीदी ने गाना भी गाया उनके साथ और तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा आज का। और भी आपको कुछ कुछ दिखा दूँ क्या क्या अपडेट चल रहा है घर में। तो जैसा कि पता है कि सनी को प्लांट्स कितने पसंद है, तो सनी ने नए नए प्लांट्स ऐड किए अपने लिस्ट में। तो ये देखिए कितना सुंदर सा गुलाब है और नए ये सारे नए नए लाए सनी। ये देखो ये शिमला मिर्च का पौधा लगाया है। ओह माय गॉड गुलाब बहुत सुंदर लग रहा है अम्मी, एकदम आपकी तरह। जब तुम लोग नहीं रहते हो ना तो हमसे पैसा ठक ठक करके लाता है पौधा, माली से मांग मांग करके। ये तो ये गिलोई मिला है आज रामदेव बाबा ने दिया था कि इसको लगा लेना पौधे में प्लांट बन जाएगा, बस इसी से मतलब इसको पौधे में लगाना है सिर्फ। क्या बात है। इसके लिए वो गमला तैयार करके रखा है, मिट्टी सूखा हुआ था गमला में तो पानी डाल करके उसको रेडी करेगा फिर इसको लगाएगा। क्या बात है। तो अपना खीर तैयार हो चुका गाइस, ये खीर खाते हैं बढ़िया ठंडा हो जाने देते थोड़ा सा। और दोस्तों मैं डोरेमोन देख रहा हूँ। क्या बात है। तो गाइस अभी रात के 11 बजने वाले हैं और मैं ना सो गया था अभी, ऐसे थोड़ा बेड पे पड़ा क्योंकि आज सुबह बहुत जल्दी उठा था ना और फिर ट्रैवलिंग पे बहुत ज़्यादा थक गया था मैं। तो मम्मी आके उठाई मेरे को और जो मम्मी खीर बनाई थी वो दी है कि पी रहा हूँ बहुत टेस्टी है और जा रहा हूँ दोबारा सोने के लिए। मैं ट्राई करूँगा कल दोबारा जल्दी उठ जाऊँ और उसके बाद एडिटिंग जो भी है डेली ब्लॉग्स का वो चालू करूँ दोबारा से। आज तो भाई बिल्कुल हिम्मत नहीं लग रहा कि मैं कुछ और काम करूंगा। अगर आपको आज का ब्लॉग पसंद आएगा तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए खत्म, बाय बाय टाटा।